आता शादी कैसे होगी तुम्हारी? साथ होगी खाली एक बोतल है बस। छी वख मची जख भी दया खची छी सुद बुद नी रहंदी दिन रात की कन छयाल है तू बकी बात की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, कैसे हो बताओ? आज तो तुम बता ही दो यार कैसे हो है। तो आज हम दोस्तों मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने, और एक मुझे बड़ा सा शीशा लेना है ताकि उसको देख के हम एक्सरसाइज और डांस कर सके। हम उसे नीचे वाले कमरे में लगाएंगे क्योंकि ये थोड़े से छोटे छोटे रूम हैं, तो यहाँ पे डांस वगैरह मतलब ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। ज़्यादा लोग मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं और सीटी डांस करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं वहाँ पे। तो देखते हैं कि हमें शीशा कितने का मिलता है, और हम कपड़े भी लेंगे क्योंकि कपड़ों से पेट कभी नहीं भरता, ये तो आपको पता ही होगा। अब सरोजनी मार्केट नहीं हुआ तो क्या हो गया, हमारा मार्केट तो है। और आपको पता है यहाँ पे नई नई शॉप्स खुल गई है कपड़ों की, तो हम आ जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मिल रहा है मार्केट में। तो लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अभी बहुत सारी कपड़ों की शॉप खुल गई है, और यहाँ पे भी कुर्ती दिख रही है मुझे, यहाँ से लेते यहाँ देखते हैं। लेडीज सामान हो गया बेटा, सामान तो यहाँ इतना भरा पड़ा है ना। ये बात बता दूं सुनीता, मैं यहाँ पे इतने अच्छे रेट रहते हैं सामान के ना, कि बहुत ही बड़े यहाँ पे खूब भीड़ लगी रहती है, हर प्रकार का सामान मिलेगा। क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? मतलब पूजा सामग्री से लेकर कॉस्मेटिक, लेडीज जेंट्स, उसके बाद स्कूल के सभी सामान मिल जाते हैं। और क्लेचर ऐसा होता है कि हर हफ्ते ही ले जाना होता है, टूट जाते हैं सारे, खो जाते हैं, ज्यादातर खो जाते हैं। तो लड़कियां ना ज्यादातर क्लेचर वगैरह सब ले जाती हैं। पर बेटा ये बात बताओ सोनिका, यहाँ पर और दिल्ली में या देहरादून में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मतलब जो वहाँ मिलता है वो यहाँ भी मिलता है, और रेट सेम ही रहते हैं, है ना? ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। कितने भैया क्लचर कितने का? 10 रुपए का बिल करता हूं। अच्छा 10 रुपए का आपको 10 में देहरादून में मिलेगा, 10 ही दिल्ली में मिलेगा। ये मकसद नहीं मेरा, ये टाइम पास और टाइम पास देश सेवा करके आ रखा मेरा, जन सेवा का मकसद। अरे बहुत बढ़िया, और क्या थोड़ा सोशल, और जो फौज में रहते हैं उन्हें बैठने की आदत नहीं होती, तो इसीलिए आपने सोचा होगा शॉप ही खोलो। अच्छा किया आपने। तो भैया ने बोला कि अभी और स्टॉक आएगा, फिलहाल हम ये यहाँ पे ट्राई हम घर ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें पसंद आती कि नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ट्रायल रूम यूज़ करो फिर ना, तो यहाँ पे हम आराम से घर ले जाते हैं, अगर चेंज करना होगा तो चेंज भी जाता है ना भैया। ठीक है ना, नमस्कार बोलो। नमस्कार, ठीक है? भैया सामान कहाँ से आता है आपके यहाँ? मेरा जयपुर से आता है। अच्छा अच्छा, सारा जयपुर से आता है, तो ट्रांसफर कैसा होता है, यहीं तक पहुँचाते हैं कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा, रामनगर वाली बस में डाल के मतलब जयपुर से वो काशीपुर पहुँचाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो आपको सारी लेडीज का सामान यहाँ पे मिल जाएगा, सुंदर सुंदर सेट। दादी कुछ बोलो ना, क्या बोलो? कितने का था साल अच्छी तुम? मी? 35 साल के? 90 साल के हो गए। 35 साल के, 90 साल के हो गए आप। वाओ, लगता नहीं आपको देख के, है ना? स्वस्थ है एकदम, अच्छा। पैदल आते हैं? अरे वाह, किसी गांव में भी जाते पैदल जा सकते हैं। अच्छा, हिम्मत रखते हैं, कई किलोमीटर जाते हैं, है ना? जो हो रहा है, जो हमारी यहाँ का लोकल चीजें परंपरागत होती है, जो चीजें इससे इन पे ताकत है। अब हम लोग अभी जो बाहर की चीजें खा रहे थे, हमारी तो इतनी उम्र आने पे बहुत टफ है, इसमें बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 90 पे पहुँच गए, हमारे भी 45-50 पे है, पर लेकिन हम इनसे भी खेल रहे हैं। यह हमारी डांस करा रहा है, ये बजा रहा है और ये डांस करा रहा है। क्यूटी क्यूटी पाई, मासा जी चाबी भरते हुए।
मौसी जी कहाँ से लाए आप इतने प्यारे प्यारे बच्चों को? रुद्रपुर से। अच्छा रुद्रपुर से लाया। रात्रि थी ना? हाँ। तो उस दिन के लिए लाए थे खिलौने। अच्छा शिवरात्रि के दिन लोग खरीदते हैं ना बच्चों के लिए। यहाँ पे स्टॉल भी है और कॉलेज के बैग भी हैं। बैग भी कितने अच्छे हैं ना बैग। ये बैग है मौसा जी 380 का ये बैग। इससे तो प्राइस डालना पड़ता है 300 से, लेकिन 300 का देते हैं। अच्छा 300 का देते हैं ना। अच्छा, अच्छा है ये तो। ये स्टॉल है देखिए स्कूल और कॉलेज स्टॉल। फिर अगर मुझे स्टॉल लेना बेटा ना ये लिए एक छोटा सी भी इस प्रकार का ले जा सकती है ना। 70 रुपये केवल 70 रुपये की स्टॉल। अच्छा यार इसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छा है ना। हाँ मुलायम है ना बिल्कुल कपड़ा। अच्छा ये बड़े वाले होंगे ना मौसा जी। ये हमारे 150 के। ये मोर पंखी है। देख मोर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। मोर बना है इनके। अरे कोई भी अगर मोर पहने चाहे मोर भी पहने बहुत अच्छे लगेंगे। मोर पहनते हैं ऐसे? हाँ मोर भी पहन सकते हैं। आजकल लड़के भी पहनते। मस जी कह रहे कि मोर पहने हैं मोर नहीं अच्छे लगेंगे। अभी ऊँट है लेकिन ये देखिए अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। अरे ये तो पूरा मैच कर रहा है। मौसा जी ने पूरा मैचिंग निकाल दिया। ये भी अच्छा लग रहा है। ये सूट मेरी ऐसी है, एक ऐसी की दोनों ले जाओ। कह रही एक सूट ऐसी एक सूट ऐसी दोनों ले जा रही। हाँ ले जाओ दोनों ले जाओ। है भैया और छू दोस्तों। अब एक और बहुत ही खास चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे से भी बड़ा टेडी बेयर। कितना क्यूट है ये। मौसा जी कितने का है ये? 1300 रुपए का देंगे। 1300 रुपए का। रुक जाओ वैलेंटाइन डे चला गया लेकिन फिर भी आप टेडी गिफ्ट कर सकते हैं। थाली यही रह गई उस दिन की जो पहले वीडियो बना था ना मौसा और मौसा के नाम से। ये थाली यही यादगार रह गई। ये यादगार रह गई ये थाली। ये देखो ये वाओ रेड कलर का। ये देखो चिल्ले तो फट जाते हैं गाड़ियों में ना दूर से। मौसा जी ये कितने का है ये वाला? ये 1300 का बैठेगा। ये 1300 का। ये वाला छोटा वाला? छोटा वाला 700-800। अरे वाला ये जो है 2000 से ऊपर ही हो गए। अच्छा ये रेड कलर का है ना। तो टैडी ही टैडी टैडी ही टैडी आप ले सकते हैं यहाँ से। जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे आए एक से बढ़कर एक टैडी वेयर ना मौसा जी। मौसा जी आप मौसी को गिफ्ट नहीं करते टैडी वेयर? जब बर्थडे आता है उनका तभी देंगे। बाकी वैलेंटाइन डे पर भी क्या देना था? वैलेंटाइन डे पे क्यों नहीं दिया? वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं। इतने बड़े गुड्डे आदमी के लिए जगह नहीं है। कमरे छोटे छोटे हैं कि इतने बड़े गुड्डे कहाँ रखेंगे हैं? मौसा जी ऐसे बोले कि इतना बड़ा घर है वहाँ। मौसी ये बहाने होते हैं। मौसा जी आप गिफ्ट नहीं करना चाहते अब? जब अगली बार बनाओगे उसके साथ फिर मकान का सारे। दोस्तों हम लेने तो कुर्ती आए थे लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चीजें तो हमने सोचा आपको भी दिखा दें। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों की गाड़ियाँ हैं, बच्चों की है, कैरम बोर्ड है, ये स्टडी टेबल है, झूला है, सब कुछ भर रखा है। शादी ब्याह का पूरा सामान, सजावट के लिए दुल्हन लहंगा। लहंगा भी मिलता है ना यहाँ पे? कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया है। बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगे और ये कलर भी अच्छा लग रहा है। और देखिए दोस्तों आपने पहाड़ी अटायर में ये देखा होगा जरूर। ये है हमारा गुलोबंद। अब मौसी इसके एक से एक डिजाइन आ रहे हैं ना। लॉकडाउन के बाद तो ज्यादा डिजाइन बन गए। लॉकडाउन के बाद ज्यादा बन गए लोग काम घर में कुछ नहीं था गुलोबंद बनाते रहे जी और मौसा जी बोले लॉकडाउन के बाद एक से एक और डिजाइन आ गए इनके। अश्विन जी का इसकी कीमत केवल 50 रुपए है। इसकी 200 है। अच्छा इसमें ज्यादा वो है ना तो ये 200 इसलिए कि ये डिजाइन वाला है लेकिन ये 50 रुपए कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर। और ये कितने की मौसी? ये बोलना ये 150 की 120 की। टच परिणाम मैं यही आशीर्वाद लेने आपके पास आई हूँ अभी यहाँ पे। ये तो मल खुद ही बड़ा है जो। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या क्या प्राइस है इसकी? इसके 750। 750 का है। और ये वाला? ये वाला सॉरी 600 500 तक। अच्छा
कितना टाइम लगता है चाची इसको बनाने में? पूरा दिन पला करेगा, आदमी तो एक ही दिन में बना देगा, लेकिन जैसे हम घरेलू लोग हैं तो 4-5 दिन लगा ही देते हैं। एक एक फूल एक दिन बनाया, एक एक दिन बनाया। अच्छा, और कुर्ती भी मिल रही है यहाँ पे? कुर्ती तो नहीं है अभी, सूट है ऐसे वाले। अच्छा, ये क्या प्राइस? ये 450, मतलब 400-450। अच्छा, बहुत सुंदर, मतलब इसके साथ स्टोल भी मिल जाएगा ना? ये 300 की है, इसके साथ कुछ नहीं है, चुन्नी नहीं है, मतलब अच्छा दुपट्टा नहीं है इसमें, दुपट्टा नहीं है। 350 का है ये, ये भी अच्छा, केवल 300 का ये वाला। मम्मी ऐसा वाला हमने लिया था ना मोनिका के पास, ये भी 300 का है। अच्छा, ये 300 का है ना? हाँ, ये भी 300 का। हमारी चाची मल्टी टैलेंटेड है, आपने इन्हें कई वीडियो में देखा होगा, गाना भी गाती है और स्वेटर भी बना रखी इन्होंने, खुद बना रखी ना चाची आपने? ये कितने के देते हो आप? 650 की बनी बुनी हुई स्वेटर है ना? स्वेटर बहुत, और ये बहुत गर्म होती है हाथ से बुनी हुई स्वेटर ना? मटकी फोड़ देती है, मर भी हाथ से बना रखा है, सब कुछ हैंडमेड है दोस्तों यहाँ पे सब कुछ। हम पे पेन कैसे क्यों नहीं लगती मम्मी? क्या प्राइस है भैया इनके? 300 की है, वही सेम ही प्राइस है ना? अच्छी लग रही है ये वाली है ना सोनी का बेटा? ये कुर्ती तेरे पे बहुत अच्छी लगी मुझे पता है। अच्छा, हाँ पता है, ये भैया ऐसे सामान मंगाता है ना बहुत क्वालिटी वाला, लगा एक दिन का पल्टन बाजार, एक ही है रेट भी सही वही मिलेगी। देहरादून का पल्टन बाजार आपको थलीसन में मिलेगा है। भैया आप सामान कहाँ से लाते हो? दिल्ली से। ये देखो, इनको जहाँ जाना होता है गप्पे लगानी होती है, इसको बोलते हैं चैटर बॉक्स, की जहाँ जाओ वहाँ आप गप्पे लगाओ, गप्पे ही गप्पे। मम्मी के साथ जब कहीं भी जाती है ना, मम्मी कहीं भी शुरू हो जाती है, मतलब उनकी छुई खत्म नहीं होती है ना। और नेगी जी का जो गाना है ना इन पे ही बना है कि यख मछी वख मछी जख विद्या खछी छी सुद बुद नी रहंदी दिन रात की कन छुयाल हुए तू बकी बात की। सही बात है बेटा, इतनी खुश हो रही तुम्हें छुयाल बोला गया, छुई लगाने वाले। खैर छुयाल आजकल तो बात करने के लिए लोग ही नहीं मिलते, अब यहाँ लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है बात करने में, है ना मम्मी? आज के जमाने में तो बात करने के लिए मतलब लोग नहीं मिल रहे, पर मम्मी बड़ी लकी है, मम्मी को मिल ही जाते हैं। पर यहाँ ऐसा माहौल है कि अब किसी के साथ बात करो, घंटों टाइम पास करो, मजा आता है ना मम्मी? हाँ, सही बात है। चलो फिर आगे चलते, जो हमारा मेन काम था हम वो करने जा रहे हैं। तो एक कुर्ती तो हमने ले ली, ये वहाँ ले ली, एक कुर्ती यहाँ ले ली, एक कुर्ती यहाँ ले ली, एक कुर्ती यहाँ ले ली, कि पैसे कहीं नहीं दिए अभी। कितना फायदा उठाई जा रही है ये अपने भाइयों का। तो पहले हम ट्राई करेंगे, फिर जो पसंद आएगी हम रखेंगे, है ना? थैंक यू अंकल जी। अरे क्या करना, हम तो शर्म है ना। अरे हम तुम तो नहीं ले रहा हेलो अभिषेक, तुम भी गन्ने का जूस पीने आए यहाँ पे? नहीं, देख जब से मैं आई यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, देख गन्ने का जूस भी मिलने लग गया यहाँ पे। ये गन्ने का जूस है। इसमें क्या क्या डाला है? काला नमक डाला है, पुदीना है ना। ये देखो मम्मी को खासा पसंद है, जब देहरादून जाती है तो गन्ने के जूस में दिया डालेगा उसमें। अच्छा, यहाँ अभी फिलहाल तो बर्फ की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। और भैया गन्ने कहाँ से लाते हो आप? नजीमाबाद। अच्छा, तो क्या प्राइस कैसे लगता है आपको? लग जाता है 8-10 रुपये किलो। 8-10 रुपये किलो में मिलता है, है? और वहाँ से यहाँ तक तो कैसे आता है? वही गाड़ी से आता है। बस में या? हाँ बस। तो ट्रांसपोर्ट का भी ऐड करते होंगे वो खर्चा की? ना ना, ऐसे ही बस। ऐसे ही है, अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो किराया देना पड़ता है। दोस्तों आप भी यहाँ पे गन्ने का जूस पीने आइए, जिसको पता नहीं है वो जल्द से जल्द आइए। देखिए हमने फिनिश कर दिया है एक ही सिप में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा था। थैंक यू भैया। ए मिली,
वायर तुम भी गन्ने का जूस पीने आए हो? तुम दोनों भी गन्ने का जूस? और अभिषेक आप भी देखने आए हो? कैसा होता है गन्ने का जूस ये देखने आए हो? अंकल जी आप भी? अरे वाह, कैसा लग रहा है यहाँ? पहले गन्ने का जूस नहीं मिलता था, अब गन्ने का जूस भी मिलता है। हाँ, सुविधा मिल गई है, वरना जब देहरादून जाते थे ना मम्मी 10-10 ग्लास गन्ने का जूस पीती थी। अब यहीं पे मिल रहा है ना? हाँ, खूब पीना रही है गन्ने का जूस। हाँ, अब गर्मी का आनंद इससे लिया जाएगा। दो अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हो? 156। 156 सुनो तो, आज तो 60 साल से ऊपर के लग रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? 45 से ऊपर है स्टार्ट। अच्छा, अंकल जी का। अच्छा, देखो अंकल जी कितने जागरूक हो रखे हैं, मतलब कि जाना है तो जाना है टीका लगाने। आ रहे हैं हम भी, आप लगा के आओ फिर हम आएंगे। पटवाल जी कहाँ है? कौन से पटवाल जी? वही ये वाले ना। अच्छा, और बेटा तो क्या क्या काम कर रहा है इधर? ये लाया है भी है ये सामान है मेरे सामने सुबेर बड़े का। सुबेर बड़े अकल मिले थे, मतलब दिहाड़ी मिल जान पूरी? एक पलों के 50 रुपए, दो पलों के 100 रुपए। है ये बाप रे, 10 पलों के 1000 रुपए। तो तू खूब रुपए कमा रहे हैं। 10 पलंग में 1000 रुपए? 1000 रुपए है? अरे शाम को 2 रुपए जाता है। अरे यार, तो फिर क्या फायदा भैया, आप इतना कमाते हो फिर 2 रुपए जाते हो यार तुम? है इग्नोर कर दिया दारू की बात में। बेटा तुम दारू क्यों पीते हो इतनी? अच्छा, शादी कैसे होगी तुम्हारी? है बस शादी नहीं, बस आपके लिए बोतल ही मतलब वो है इम्पोर्टेंट। अरे ऐसा शादी की कोई जरूरत नहीं है, पैसे तुम इतना कमाते हो और वो फिर बर्बाद कर देते हो ना, तो शादी कैसे होगी तेरी फिर? तुम मेरी बात कर रहे हो? तेरे शादी का क्या हो गया? मम्मी वो कह रहे हैं तुम मेरी बात कर रहे हो, पूरी रोड बर्बाद है। सही काम है तो बड़े, तो फिर भी ठीक हुए, रोड तो बनने वाली भैया। दादी ये एक भी तर क्या रखी हो? ये खुश है सर, दूर में तुम्हें सर पक्का दूर में तुम्हें एक साथ बोला ना, तुम्हें साड़ी या कुंडल बिल्लू में तुम्हें। अच्छा, एक बात सुना दीदी, बेटा सोनिका मेरे शादी को हो गए 30 साल, तब से दीदी के इसमें ना ये भरा रहता है, ये पता नहीं चलता इसके अंदर है क्या, लेकिन फुल भरा रहता है। दिखाना नहीं चाहती तुम्हारी साड़ी। तो दोस्तों पहुँच गए हम पटवाल फर्नीचर हाउस, और यहीं पे मुझे शीशा लेना है। तो अब ये जो नंबर दिख रहे हैं, काम होगा जब भैया से तभी कॉल करना, ऐसे नहीं कि आप लोग फालतू कॉल करने लग गए भैया को। हेलो भैया, मुझे ना शीशा चाहिए, मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ, शीशा मिल जाएगा। जो जैसे एक्सरसाइज और डांस वगैरह के लिए दिखा दो। ये शीशा। अच्छा, ये मतलब ये पूरी सीट रहती है हमारे पास। अच्छा, ये वाली सीट 3 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी। अच्छा, 12 फीट का होता है एक शीशा। वैसे जिम विम में ऐसी वाले शीशे लगते हैं ना। हाँ। तो ये काफी बड़ा दिख रहा है। हाँ, ये मतलब पूरी पूरी दीवार पे आ जाएगा। पूरी दीवार पे आ जाएगा, फोटो भी मतलब पूरी दिख जाएगी इससे। अच्छा अच्छा है ना मम्मी? तो भैया कितना कितने का पड़ जाएगा ये टोटल? ये पड़ेगा मतलब 1000 रुपए का शीशा लगेगा, मतलब पूरा फ्रेम फ्रेम लगा 1600 के। 1600 तक। अच्छा, फ्रेम भी लगाएंगे अगर तो? अच्छा, क्योंकि पतला है वो है ना, तो बिना फ्रेम का, बिना फ्रेम का सही चाहिए। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आपके यहाँ पे सब कुछ काम करते हैं? ये अच्छा लग रहा है, ये मंदिर है क्या भैया? हाँ, ये मंदिर है। वाह, देखो कितना सुंदर मंदिर बना रखा है भैया ने। और बेटा थकावट लग गई होगी, तो थक गया होगा ना? नहीं थको? रोज करते ना। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हम आएंगे जरूर कपल में। और ये देख के ना खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं डाइटिंग पे। अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बस देख के चली जाती हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ, सबको बता दो मैं नहीं खा रही हूँ। हमारे भैया है यहाँ पे, बेटा बोल रहा है बस जरूर आना। हाँ, 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 जरूर आएंगे हम, कफल लाएंगे। हाँ, तो दोस्तों हम घर पहुंच चुके,
और कपड़े लिए हमने और बिना पैसे दिए अभी हमने लिए, अभी हम ट्राई करेंगे। तो आपके यहाँ कभी होता है ऐसा कि हम बिना पैसों के कपड़े ले आओ और फिर बाद में दो पैसे? तो यहाँ पे ऐसा भी है क्योंकि गांव में सब सब कुछ जानते हैं, तो थोड़ा चाय वाय पीते फिर मिलती हूँ मैं आपको। बहुत मज़ा आया आज के दिन, तो वो शीशा हम कहाँ पे लगाएंगे अभी हम देखेंगे और जल्द से जल्द हम अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो फिलहाल तो मैं और स्वीटी करेंगे, लेकिन अगर आप में से कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है मतलब यहाँ आसपास के लोग तो वो कर सकते हैं हमें ज्वाइन। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज, आपने दिन भर क्या क्या किया हमें बताइए और ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये भी बताइए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सुरक्षित रहना है। और फिर से एक बार जो यहाँ के लोग हैं, शुरू हो गई है वैक्सीनेशन, आप फटाफट से जाइए हॉस्पिटल और लगाइए वैक्सीन, ठीक है? तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।